एवरीवन, वेलकम टू BHU पाठशाला। आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीकली सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि GS और GK पोर्शन के लिए होगी, और वो आपके सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर BHU एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। और इस सीरीज़ में पर वीक हम लोग एक वीडियो अपलोड करेंगे जो कि GS और GK पोर्शन का होगा। वीडियो एक ही अपलोड किया जाएगा इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस भी आपके हैं, तो उसको देखते हुए सिर्फ एक ही वीडियो पर वीक अपलोड किया जाएगा। बाद में जब एग्जामिनेशन करीब आ जाएगा हम लोग का, तो हम लोग और अधिक वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, और अगर आपको प्रीमियम कोर्सेज चाहिए तो आप, हमारा एक ऐप है यू पाठशाला, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे या फिर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे विजिबल है, दैट इज़ 9515383272 फॉर प्रीमियम कोर्सेस। ओके, सो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज़, हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फैयान अ चाइनीज ट्रेवलर केम इन द रेन ऑफ विच एम्परर? फैयान जो एक चीनी यात्री था, किस राजा के शासनकाल में भारत आया हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में जो टाइपिंग है, फैजान लिखा हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस वन इज़ करेक्ट, फैयान। क्वेश्चन थर्ड इज़, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सुरकोटदा, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर फोर इज़, हु एस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो आंसर हो जाएगा इसका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये धर्मपाल जो राजा थे उनके द्वारा की गई थी, धर्मपाल एस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखेंगे क्या है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फाइव इज़, व्हेन एंड बाय होम स्लेव डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड? सो आवर ऑप्शंस आर, ऑप्शन इज 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक, और 1208 कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन सी है 1526 बाबर, 1530 बाबर। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और 1206 में, और ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। और एक इस ऑप्शन से मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको, ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, व्हेन वाज रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड? रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पास हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन इज, व्हेन वाज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म पास्ड? मॉर्ली मिंटो जो सुधार थे, कब उनको पारित किया गया था? तो जो मॉर्ली मिंटो सुधार थे, ये 1909 में पारित किए गए थे। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स? मॉर्ली मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स था, इनके मुख्य उद्देश्य थे सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम जो है उसको बनाने के लिए, पृथक निर्वाचन मंडली, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड नाइन्थ क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। फिर बाद में दूसरी मीटिंग यानी कि दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, और इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है। एंड द क्वेश्चन नंबर टेन इज, इन विच ईयर गांधी जी डिड चंपारण सत्याग्रह? किस वर्ष में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, 1916 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। एक क्लू मैं दे देता हूँ, चंपारण वॉज डन इन 16, ओके, और उसके बाद खेड़ा, फिर खेड़ा के बाद अहमदाबाद, ये सभी ये 16 में हुआ था, फिर उसके बाद ये 17 में, और अहमदाबाद जो हुआ था वो 18 में हुआ था, ठीक है। ये तीनों सत्याग्रह हैं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, जो कि गांधी जी के द्वारा किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्वेश्चन,
कि किसे भूगोल का जनक माना जाता है। तो इराटोस्थनीज इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, मगर कुछ जगहों पे आपको हिकेटियस भी मिलेगा, ठीक है। बट वी विल कंसीडर इराटोस्थनीज। 12th क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया माउंटेन इज़ ऑन विच प्लैनेट। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया जो है ये मार्स पर स्थित है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज़, बाय विच प्रोसेस सन प्रोड्यूसेस इट्स एनर्जी। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ दो ही ऑप्शन रखे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सूर्य किस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सूर्य जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न, विच मीन्स नाभिकीय संलयन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, सन प्रोड्यूसेस इट्स एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूज़न, यानी सूर्य अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज़, विच आर द फॉलोइंग डेट्स अकाउंट्स फॉर एपिहेलियन। निम्नलिखित में से किस दिनांक को अपसौर होता है? अपसौर का मतलब होता है कि जिस दिन सूर्य और जो हमारा अर्थ है, दिस इज़ सन एंड सपोज दिस इज़ आवर अर्थ, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जो मैक्सिमम होता है तो उसी को एपिहेलियन कहा जाता है, और उसको हिंदी में अपसौर कहते हैं, ठीक है। ये होता है 4 जुलाई को, और एक पेरिहेलियन होती है जो कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड आवर अर्थ, दैट इज़ ऑन 4th of January। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4th of July, ओके। और 15th क्वेश्चन इज़, ओजोन लेयर इज़ मेनली फाउंड इन। तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और देखिए इसका मैंने 4 ऑप्शन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वेन आई वॉज़ कन्वर्टिंग हिंदी ऑफ डिफरेंट लेयर्स, तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी और मिल नहीं रहा था, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। सो तो जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन आई हैव जस्ट किप्ट ओनली वन सिंगल ऑप्शन, दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द करेक्ट आंसर। मार्किट ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में मेनली यानी मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है। 16th क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमीज, इसमें बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो जो भारतीय व्यवस्था है यानी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इज, ऑन विच मॉडल द फर्स्ट 5-year plan ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोड एंड डोमर मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। और 18th क्वेश्चन इज, विद विच स्पोर्ट अजलन शाह कप इज़ रिलेटेड। अजलन शाह कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, ओके। तो ये हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 इज, डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो डेट इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो हमें आँख का एक रोग होता है, रतौंधी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन क्लोरोफिल। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है? द आंसर विल बी मैग्नीशियम, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, और इसमें 20 क्वेश्चन थे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो please put your comments into the comment box, and your suggestions are most welcome, and please subscribe our channel BHU Pathshala. Thank you, have a nice day.